हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन गोल्ड, यूएस ऑयल एंड यूरो यूएसडी, ठीक है, इन तीनों के एनालिसिस प्रॉपर देखेंगे, ठीक है, कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है एंड किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। अपन इस पे 1 आवर पे एंड 4 आवर पे, ठीक है, इसका टोटल तरीके से अपन मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे कि करंटली मार्केट का सिनेरियो 1 आवर पे क्या है एंड यहाँ पे 4 आवर पे क्या है, ठीक है। एंड देन उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आप यूएस पे ट्रेड करोगे ऑयल पे, या गोल्ड पे ट्रेड करोगे, यूरो यूएसडी पे करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ से 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ से बाइंग में चल रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक टॉप बनाया अपना जो कि 20 मई के आसपास बना था, उसके बाद से मार्केट करंटली डाउन पे चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए, अगर आप एसएमसी के कॉन्सेप्ट जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में मैं बता देता हूँ। अगर आप एसएमसी के कॉन्सेप्ट नहीं जानते एंड उस पर कैसे ट्रेड करना होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्लास होती है हमारी, ठीक है, जहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, आप देखिए मार्केट ने कुछ इस तरीके से अपना पैटर्न बनाया। मार्केट यहाँ से गया एंड यहाँ पे एक हाई लगाया मार्केट ने, आफ्टर दैट मार्केट करेक्शन करने के लिए यहाँ पे आता है। अब जब मार्केट रिसेंट वाले हाई को अगेन ब्रेक करता है तो मार्केट एक नया हाई बनाया एंड देन मार्केट क्या आया, यहाँ पे रिटेस्ट करने आया वापस, यानी कि मार्केट करेक्शन करने आया, ठीक है। क्योंकि मार्केट कभी भी रॉकेट की तरह सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जितना ऊपर गए हो सकता है उसका 30%, 40% या 50% रिटेस्ट करने जरूर आता है, राइट। आफ्टर दैट मार्केट ने एक और हाई बनाया, मार्केट ने हल्का सा रीटेस्ट किया, ठीक है, एंड देन मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है। अब हाई बनाने के बाद मार्केट क्या हुआ, आप देखिए, खुद पैटर्न समझिए कि मार्केट कहना क्या चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने ये एक लो बनाया, ठीक है, मैं रेंडम तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे लो कैसे कन्फर्म कर रहे हो, रीज़न बता दूंगा। तो मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आया करेक्शन करने के लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, एक करेक्शन किया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन किया, ठीक है। अब मार्केट करेक्शन करके वापस ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर गया तो लेफ्ट वाले मार्केट ने क्या किया, हाई को ब्रेक किया, कैंडल क्लोज की, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी अपनी, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद मार्केट अगेन अप गया एंड मार्केट डाउन आया, ठीक है। मार्केट डाउन आने के बाद अगेन मार्केट वापस ऊपर चले जाता है और लेफ्ट वाले हाई को मार्केट फिर से कैंडल क्लोज करके ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब आप दोनों केस में देखिए, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, उस टाइम पे भी ये लो टच नहीं किया था, मार्केट ने नया हाई बनाया एंड देन डाउन आया, तब उस टाइम पे भी रिसेंट वाला लो टच नहीं किया था, मार्केट क्या हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड देन मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया डाउन तक एंड अगेन सेम डायरेक्शन में मार्केट जाता है और इस हाई को ब्रेक कर देता है। अगेन गया मार्केट, इस हाई को किसी ने ब्रेक नहीं किया एंड देन ये रिसेंट वाला हाई बन गया अपना, ठीक है। ये हाई बना, यहाँ से मार्केट गया। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता था, यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ तक डाउन आता एंड देन यहाँ पे आने के बाद क्या करता, मार्केट यहाँ से अप जा सकता था कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अब चले जाता तो ये लो ब्रेक हो जाता, अपन यहाँ पे देखते फिर। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने क्या किया कि उसका जो लो था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आना चाहता था लेकिन बायर्स ने यहाँ पे कुछ टाइम तक इसको रोके रखा, नीचे नहीं आने दिया। लेकिन आफ्टर दैट मार्केट ने अपना कंट्रोल खो दिया, यानी कि बायर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया एंड मार्केट जो है वो सेलर्स के हाथ में चले गया। तो इस वजह से क्या, रीसेंट वाले लो को मार्केट ने टच किया और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी, ये वाली कैंडल, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, ये कैंडल क्लोज की। अब जैसे ये कैंडल क्लोज की मार्केट ने, तो ये वाला जो टॉप पॉइंट है ये आपका कंफर्म हो जाता है एज ए हायर हाई, ठीक है, ये आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ये हायर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है, तो हायर हाई कंफर्म होने के बाद आपने क्या करना है कि काफ़ी सारी एक्टिविटी मार्केट में होती है, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से आ गया डाउन कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो हो सकता है आपके लिए नए हो, समझ में ना आए, यहाँ तक मार्केट आता है, ठीक है।
यहां तक मार्केट आने के बाद क्या करता है, अगेन मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है, ऊपर नीचे करता है, एंड देन इस एरिया से मार्केट क्या करता है, ये मार्केट एक हाई लगाता है यहाँ पे, ठीक है, एंड देन इस एरिया से मार्केट क्या करता है, वापस ये ड्रॉ हो जाता है यहाँ पे, यानी कि मार्केट नीचे गिर जाता है यहाँ तक, ठीक है। अब सेम चीज क्या है कि इधर मार्केट ऊपर जाता था करेक्शन करने के लिए नीचे आता था, इधर मार्केट नीचे आया करेक्शन करने के लिए ऊपर गया, इधर मार्केट नीचे है करेक्शन करने के लिए फिर ऊपर जाएगा। अब ये जो ऊपर जाता है ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एंड वहां पे कोई भी एक पेंडिंग ऑर्डर फ्लो हो उस तक जाता है। तो 4 आवर के एरिया में अपना जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है विद लिक्विडिटी, मैंने लिए इसको लिया है, तो अपने जो केस में अगर मार्केट जाएगा तो ये जाएगा यहाँ तक, फर्स्ट सिनेरियो इसका यही है बस, इसके अलावा करंट कोई सिनेरियो नहीं है इसका, ठीक है। अब देखिए, अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काफी लोग पढ़े होंगे, ये जो एरिया निकल के आता है, ठीक है, ये वाला, सॉरी एक मिनट, ये वाला जो एरिया निकल के आता है ये कुछ इस तरीके से, ये आपका एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एरिया काम करेगा ये, ठीक है, या इसको ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, कई लोग पता नहीं अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो मैं इसको जो कॉल करता हूँ उसको कहा जाता है ब्रेकर ब्लॉक फॉर सेल साइड, ठीक है, सपोर्ट का ही दूसरा नाम है, इसको कह लो इस तरीके से आप, हालांकि इसको बीच में देखा जाता है लेकिन अपने अपने हिसाब से सब लोग अलग अलग तरीके से कॉल करते हैं, आप सपोर्ट कहना चाहो सपोर्ट कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए मेरा तरीका क्या है, देखो मैंने पहली सिचुएशन आपको ये बता दी, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ रिटेस्ट के लिए आएगा, तो रिटेस्ट के लिए वो यहाँ तक ट्रैप करेगा एंड देन नीचे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्यों, क्योंकि अभी तक मार्केट जो चल रहा है वो इसने सिर्फ यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की है बस, ये लिक्विडिटी एरिया है पूरा का पूरा, तो मार्केट ने क्या है, अपन पीछे नहीं जाएंगे, जो करंट लिक्विडिटी है यानी कि ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से वापिस रिवर्स हो रहा है, ठीक है, और ये जो मार्केट जाएगा वो इस लेवल तक जाएगा, हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करे, कुछ इस तरीके से मार्केट डाउन आए एंड देन यहाँ से अगेन बाई जा सकता है, तो वो जो सिनेरियो है वो जो सिचुएशन है आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना होगा, ठीक है, कि एक्चुअली में एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है इसका। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कुछ छोटा सा ट्रेंड लाइन का भी सेटअप दिख रहा है मुझे, ठीक है, इस एरिया को जब भी मार्केट ब्रेक करते तो रिटेस्ट पे आप यहाँ से सेल करना, ठीक है, एंड देन यहाँ से बाइंग का ट्राई भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है फिर, ठीक है। तो ये जो एरिया निकल के आता है वो इस तरीके का एरिया है कि जहाँ से आप बाइंग भी कर सकते हैं सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है 4 आवर पे कुछ इस तरीके से, अब आप डिसाइड करिए कि ये कौन सा पैटर्न है, मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, गोल्ड का 4 आवर का। 1 आवर पे बात करें तो 1 आवर पे भी सेम सिनेरियो चल रहा है, अभी कोई इतना खास नहीं, वही सेम चीज है यहाँ पे जो 4 आवर पे है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट प्लान कर सकता है, अगर रिटेस्ट करता है तो कहाँ से करेगा, ये इसका एरिया बनेगा, सेल साइड जाएगा तो यहाँ से डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो करंटली जो गोल्ड का सिनेरियो कुछ इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर अपन SMC कॉन्सेप्ट में देखें तो SMC कॉन्सेप्ट में अभी जो मार्केट का सिनेरियो है 4 आवर के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ क्या एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जो 4 आवर के अंदर अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो करंटली मार्केट जो है सेल साइड में नहीं है, ये एक ऐसा लास्ट एरिया था जहाँ से मार्केट बैंक जा सकता है, जैसे ही इस एरिया के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, ये जो लाइन बनाई है इसके नीचे मार्केट जैसे ही कैंडल क्लोज करता है तो आप यहाँ तक बैठ सकते हैं। कहीं बोलेंगे आप, बोलोगे सर मैंने एक वीडियो में देखा था, टेलीग्राम पे देखा था, वो तो बताते ही नहीं, देखो सबका अपना अपना पैटर्न है, बस पढ़ाने का, बताने का, चीज़ें समझाने का, देन मेरा जो पैटर्न है कुछ डिफरेंट है, हो सकता है किसी और का डिफरेंट हो, यहाँ से यहाँ तक आप बैठ सकते हैं, हर चीज़ को ब्रेक इवन करते चलना, आप सोचोगे नहीं गया, किसी का नहीं जाता, एनालिसिस खराब किसी के नहीं होते, मैं एनालिसिस आज कर रहा हूँ 4 घंटे के ऊपर, सोचो कल छोटी सी भी न्यूज आ गई, हो सकता है मेरे एनालिसिस को बिगाड़ सकती, खराब कर सकती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर आप उसको रियल में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे ना देख के मेरे टेलीग्राम पे लाइव क्लास में देख लेना, 1 मिनट में एंट्रीज लेके भी दिखा दूंगा मैं सेम पैटर्न पे,
ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूएस ऑयल की, कि ऑयल के अंदर क्या चल रहा है आखिरकार। ठीक है, यूएस ऑयल में अगर 4 आर पे अपन देखते हैं तो करंटली काफी लंबे टाइम से मार्केट जो है सेल्स डायरेक्शन में चल रहा है। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि एक्चुअल में फंडा क्या है इसका। मार्केट ये हाई बनाता है एंड लो बनाता है, यहाँ पे करेक्शन बीच में काफी सारे करता है। करेक्शन करने के बाद सेम मार्केट यहाँ पे लो बनाता है, हाई बनाता है, करेक्शन करता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, करेक्शन करता है। एसएमसी कॉन्सेप्ट में कहें तो रीसेंट वाला जो पुल बैक होगा वो आपका आईडीएम कहलाएगा, जो कि मार्केट ने ये ले लिया आईडीएम। अब कई लोग जिनको आईडीएम नहीं पता, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डेली फ्री क्लास होती है, उसमें आपको आईडीएम कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। ये मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम डन कर दिया अपना। ठीक है, अब आईडीएम कर दिया तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो मार्केट का ये हाई था, यहाँ पे आईडीएम था, ये हो गया चौक, ये इसका लो था, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लगाई, इसलिए हो गया अपना चौक। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, यह है 4 आवर की कैंडल जो करंटली मार्केट बना रहा है। अगर ये 4 आवर की कैंडल इस लाइन से ऊपर क्लोज हो जाती है चौक से, तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए, मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, देन आपने बाइंग करना है। अब ध्यान देना, रिटेस्ट दो तरीके से मार्केट करेगा। हो सकता है कि अगर ये हाई बना दे तो ये इसका बनेगा आईडीएम, ठीक है। और आईडीएम को लेने के बाद मार्केट क्या करता है, रीसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफई जो होता है उसको लेके अप जाता है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेगा एज ए बड़े टाइम फ्रेम पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ लोग यहाँ से सेल में बैठेंगे यहाँ तक, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मार्केट बाइंग साइड ले चुका है, जो कि 2 घंटे 31 मिनट बाद ये खत्म होगी कैंडल, तब आपको पता चल जाएगा बाइंग में। अब बाइंग में कहाँ तक जाएगा ये और बता देता हूँ मैं। बाइंग में यहां तक जाएगा, ये आपका करंट सिनेरियो है यूएस ऑयल का। ठीक है, आज की डेट भी लिख देता हूं, यकीन ना हो देख लीजिएगा आप जाके। ठीक है, आज की डेट है 18/6/24। ठीक है, यहां पे मार्केट जाएगा ही जाएगा अगर रीटेस्ट करके आप लेते हो तो। नहीं मिलती वहां से ट्रेड, आप यहां से रीबाइंग कर लेना। ठीक है, दोनों जगह से आप कहीं से भी अपना बाइंग कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सेटअप आपने बनाना है, सारी चीजें आपने करनी है। ओके, तो इसमें आपका यूएस ऑयल का अभी का सिनेरियो यही है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर नया। ठीक है, यूरो यूएसडी पे चलते हैं थोड़ा सा। यूरो यूएसडी का ऑलरेडी जो है स्ट्रक्चर्स पहले से ड्रॉ हुआ पड़ा है मेरा। ठीक है, यूरो यूएसडी में क्या चल रहा है, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे अगर 4 आवर पे अपन बात करते हैं तो आईडीएम चौक हो चुका है, यानी कि मार्केट अभी करंटली सेल साइड में ही है। ठीक है, बट मार्केट क्या कर रहा है, आईडीएम ले लिया, ये 4 आवर पे एक तो ये एरिया निकलता है, और 1 आवर पे इसको मिक्सअप करके देखें तो ये एक एरिया निकलता है। ठीक है, कंबाइंड एरिया, यहां से क्या करेगा, मार्केट रिवर्स होने का प्लान करेगा, तो अपन रिवर्स जब होगा उसी केस में अपन देख सकते हैं। तो अभी का जो स्नेरियो है ये स्नेरियो है मेरा, किसका, यूरो यूएसडी का। इस पैटर्न पे आपने ट्रेड करनी है, सेम एज इट इज इसी तरीके से आपने मार्केट को एनालिसिस करना है। तो मैंने आपको यूरो यूएसडी, यूएस ऑयल एंड यहाँ पे गोल्ड का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस दिया कि इस मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, आपने प्रॉपरली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करके देखना है चार्ट्स वगैरह पे कि ये चीज़ें कैसे काम करेगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से मुझसे क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग द वीडियो।